नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जो मात्र 50 रुपीज से नीचे मिल रहे हैं, और ये दोस्तों काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड शेयर है। फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे चार्ट कितना सॉलिड बना है दोस्तों। साथ ही साथ ये जो भी स्टॉक्स है ये इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, मतलब आपका जो रिटर्न होगा उसको कई गुना कर सकती है। लेकिन दोस्तों साथ साथ स्टॉक मार्केट है, हर में रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। और ये तो स्मॉल कैप से भी माइक्रो कैप कंपनी है, तो जब मार्केट गिरेगा इसमें गिरावट भी उतनी ही तेज होगी। तो आपको हमेशा हर पैरामीटर्स पे कंपनी को चेक कर लेना है, हर पैरामीटर्स पे तैयार रहना है, कहां एंट्री लेना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है, हर चीज आपको देखना पड़ेगा। ये सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा वो है माइनन पिस्टन्स लिमिटेड। मार्केट कैप मात्र 138 करोड़ का है और करेंट प्राइस 27.20 रुपीज है। और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% है, और कंपनी का डेट टू इक्विटी की बात करें 0.13 का डेट टू इक्विटी है, मतलब मात्र 10 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट ही देखते हैं 8.94 करोड़ का है। और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है 78 करोड़ का, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.66%, मतलब हर कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों ये है ऑटो एंसिलरी से स्टॉक। ऑटो एंसिलरी में आप देखेंगे कई सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, जैसे मदरसन सुम्मी होगी, आपको उस तरह के कई सारे स्टॉक मिल जाएंगे। तो इस सेक्टर से ये स्टॉक है जिस सेक्टर में आपको हमेशा ग्रोथ देखने मिलेगा वाले समय में, जैसे ऑटो इंडस्ट्री रिसाइकल करती है, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में जैसे तेजी आती है। अगर इसके चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट कितना सॉलिड है। चार्ट जो हमेशा इसी तरह के चार्ट में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है, जब कंपनी का जो शेयर्स है वो काफ़ी सस्ते वैल्यूज में मिल रहा होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर बना रहा है। तो इसी बॉटम पे जैसे स्टॉक बॉटम बनाने के बाद ऊपर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर कैच करते हैं, देखिए 6 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर इसको आप सेल करते 6 रुपीज़ से डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक जो है 36 रुपीज़ पहुँच चुका था, और साथ साथ डिविडेंड भी इसमें आपको मिलता। और फिर यहाँ पर देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए शेयर्स जो ऊपर जा रहा है, तो फिर से यहाँ आपको मौका। तो ऐसी कंपनियों में ही जो वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है, जहाँ से आपको कई टाइम्स का मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होता है। और रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही शेयर को ढूंढते रहते हैं जो कि कम प्राइस पर मिले। तो देखिए कम प्राइस पर तो स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन वो शेयर या तो कंपनियाँ छोटी लेवल पर होगी या तो जो कंपनियाँ बर्बाद हो चुकी है लार्ज कैप से, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं। जैसे यस बैंक को ले लेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, तो जो कंपनियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी उसमें ना फंसे। और जो कंपनियाँ छोटी है फंडामेंटली लेकिन स्ट्रॉन्ग है, और जो सेक्टर में कुछ पकड़ हो, मतलब प्रोडक्ट जो है कुछ सेल होता हो और कस्टमर बेस अच्छा हो, उस छोटे शेयर के मतलब उस माइक्रो कैप शेयर के साथ आप जा सकते हैं। तो ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करती है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन है। अब उसके बाद जो दूसरा शेयर है वो है ग्लोबल एजुकेशन। मार्केट कैप मात्र 50 करोड़ का है, प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें देखिए 75% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.4%, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी 8.19%, करेंट प्राइस जो है लगभग 50 रुपीज़ के आसपास ही है, 49.60 रुपीज़। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी की बात करें 0 है, मतलब कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, मतलब ये कंपनी एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, और कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई है। इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये 100x तक का मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम करती है, वेब और डिजाइनिंग का भी काम करती है, मतलब इतना सॉलिड ये कंपनी है। और फंडामेंटली तो देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 3% का। दोस्तों ऐसे सॉलिड कंपनियां आपको जब शेयर मार्केट खोजेंगे तो बहुत खोजने से मिलता है, काफ़ी रिसर्च मैंने किया है, उसके बाद आपके लिए सारे स्टॉक्स मैंने लेके आया है। रिजर्व देखिएगा तो 29.7 करोड़ का है, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी आपको काफ़ी सॉलिड दिख रही है। चार्ट पे लेकर चलते हैं, तो कंपनी का लिस्टिंग जो है 2020 में ही हुआ, तो ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, तो इसलिए चार्ट भी आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं कंपनी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी डेट फ्री भी है, कंपनी का जो
बिजनेस है वो भी काफी बेहतरीन है और नेट प्रॉफिट 3.15 करोड़ का, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी बेहतरीन है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है बसंत एग्रो टेक लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, जो मार्केट कैप देखिए 127 करोड़ का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.24% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.97% का और डिविडेंड यील्ड देखिए 0.36%। मतलब जो भी स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं सब के सब अभी तक डिविडेंड दे रहे हैं, तो मतलब काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, कंपनी का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री भी स्टॉक है। बस क्या है, छोटे स्केल पे ये कंपनी काम कर रही है, छोटे स्केल से अगर बड़े स्केल तक जाती है तो निश्चित है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा ये स्टॉक्स। रिजर्व की बात करें 117 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और जो कंपनी के ऊपर डेट है तो 60 करोड़ का डेट है, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है और नेट प्रॉफिट लगभग 8.79 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है और कंपनी जो है कई सारे बिजनेसेस को करती है। यहाँ देखिए फर्टिलाइजर का, फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर बनाती है, फर्टिलाइजर और वेरियस जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो बीज होते हैं उसको बनाती है, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी मतलब वेल एस्टेब्लिश है और डाइवर्सिफाइड भी है थोड़ा सा, तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर कंपनी का जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है वो किस तरह का दिखता है, देखिए शेयर का प्राइस का मूवमेंट अब कितना बेहतरीन है, एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इसका लो बनाया था 2.30 रुपीज़ का, वहाँ से कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है, 438% का रिटर्न दे चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, जब प्राइस थोड़ा सा नीचे मिलता है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और कंपनी तो फंडामेंटली सबके सब स्ट्रॉन्ग है ही, इसमें रिस्क भी रहता है इस छोटे कंपनियों में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से आपको मल्टीबैगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स तक के रिटर्न आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका कैपिटल जो है वो 50% तक लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक भी शेयर आपका चल गया एक से दो भी तो आपको इतना रिटर्न देगा जितना आप सोच ही नहीं होंगे, तो इतना पोटेंशियल है इन सब स्टॉक्स में। अब जो चौथा स्टॉक्स है वो है निक्को पार्क्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, कंपनी का बिजनेस भी एस्टेब्लिश्ड है और कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है, लेकिन इस कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत है कि शेयर प्लेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे आपको मिल रहा है, अदरवाइज ये इतना सॉलिड बिजनेस है कंपनी का कि इसका शेयर प्राइस जो है आपको लगभग अभी 500 के आसपास होना चाहिए और पैंडमिक के कारण ये आपको नेट प्रॉफिट जो माइनस में दिख रहा है, अदरवाइज ये कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल थी क्योंकि ये कंपनी जो अपना पार्क चलाती है, तो पार्क तो आप एक साल से देखिए बंद है और पार्क में ये टिकट भी कंपनी ऑनलाइन सेल करती है खुद से, पार्क भी अपना है, सब चीज़ कंपनी का अपना है, तो इतना बेहतरीन मतलब सॉलिड पोर्टफोलियो कंपनी के बिजनेस का, इसलिए आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा 16.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा 13.6%, तो हर पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड देखिएगा 1.34%, तो हर चीज़ आप देख लीजिए कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉफिट में बस इसी क्वार्टर में लॉस हुआ है, यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट आपको दिखाते हैं 7.46 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 के फाइनेंशियल में 9 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था, तो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल थी, अभी सिर्फ पैंडमिक के कारण कंपनी को जो है लॉस हुआ है। चार्ट देखिएगा तो इससे बेहतरीन चार्ट जो है किसी भी माइक्रो कैप कंपनी का आपको देखने ही नहीं मिलेगा, देखिए चार्ट कितना सॉलिड है, कभी भी इस शेयर प्राइस में वीकनेस नहीं आया, ये जो ये साइकिल होता है, एक अप साइकिल हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अप साइकिल हुआ, लेकिन चार्ट देखिएगा लगातार ऊपर की ओर ग्रोथ वाला चार्ट है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही उतना सॉलिड है, बस यही है कि छोटे लेवल पर मतलब जो पार्क है वो अभी मात्र 2 प्रोजेक्ट ही कंपनी का कंप्लीट हुआ है, इसलिए कंपनी जो छोटे लेवल पर काम करती है, इसलिए आपको इतना कम शेयर का प्राइस देखने मिल रहा है और कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, मात्र 209 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है जिसको आप सभी जानते हैं ट्राइडेंट, देखिए ट्राइडेंट ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और अगर बात करें करेंट प्राइस का तो 16.06 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, तो ये तो काफ़ी सस्ते प्राइस पर आपको मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप इसका काफ़ी हाई है, ये एक मिड कैप कंपनी है, 8,459 करोड़ का मार्केट कैप है और प्रमोटर्स होल्डिंग 73% है, डेट टू इक्विटी 0.46 है, कंपनी के ऊपर टोटल जो डेट है 1500
15 करोड़ का है और जो रिजर्व है 2819 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर पर आप देखते हैं कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न कैपिटल इंप्लाइड 10% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है। तो देखते हैं हर पैरामीटर्स पे कंपनी आपको काफ़ी सॉलिड दिख रही है। उसके बाद चार्ट की बात करें तो चार्ट पे तो ये कंपनी का चार्ट भी काफ़ी सॉलिड चार्ट में से एक है। देखिए कंपनी यहाँ से राउंडिंग बॉटम यहाँ पैटर्न बनाया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए शेयर प्राइस लगातार ऊपर की ओर मूवमेंटअप कर रहा है। तो ये स्टॉक्स तो मैंने एक साल से आपको काफ़ी बार रिकमेंड किया कि आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, जब ये लगभग 4 रुपीज़ के आसपास था यहीं पर 2020 से ही रिकमेंड किया। जिन्होंने भी बाय किया तो उन्हें अभी 400 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है। तो अभी बस इस स्टॉक को होल्ड कीजिए क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। देखिए नेट प्रॉफिट 304 करोड़ का, तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, 2.17% का रिटर्न है कंपनी का डिविडेंड यील्ड के रूप में। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये 5 स्टॉक्स थे, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की छोटी कंपनियों में कभी भी आपको अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और 1% भी आपको अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सीफाई होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको रिटर्न जितना ज़्यादा मिलेगा रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।